हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल घर घर की कहानी। जैसा कि मैं इस टाइम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, तो आज मैं आप लोगों के लिए हेल्थ से जुड़ी चीज़ लेकर आई हूँ। अगर हमारा जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो इम्यूनिटी वीक ना हो, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ आंवला जूस, पतंजलि का आंवला जूस। इसे मैं 5-6 महीनों से पी रही हूँ। इससे कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर हाँ साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप इसे ना लें, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, आँखों के लिए, और इम्यूनिटी बूस्टर है ये एक प्रकार का। आप इसको रोज़ सुबह खाली पेट 15-20 ml ले सकते हैं, पतंजलि आंवला जूस। ये बहुत ही अच्छा होता है और इससे आपको सर्दी जुखाम खांसी वगैरह कुछ नहीं होगा, कफ़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर शुरू में आपको थोड़ा लग भी रहा है कफ़ वगैरह, तो भी आप इसको लेते रहिए, इसको अवॉइड ना करिए, फिर भी पीजिए, फिर आपको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। और बहुत ही अच्छा है ये आंवला जूस, हर मौसम में बहुत। अगर आप मानसून चलने वाले हैं तो मानसून के टाइम ये होता है कि जल्दी जल्दी सर्दी जुखाम वगैरह ज़्यादा, और कोरोना इस टाइम ज़्यादा ही हो सकता है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आंवला जूस ज़रूर से पीजिए। आंवला जूस लेने से ये एक होता है कि आंखों की रोशनी भी हमारी सही रहती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है। तो आप सभी लोग इसका ज़रूर से सेवन करिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, और भी कुछ अगर आपको पूछना है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। तो और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइए, और हमारे DIY का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, आपकी त्वचा कैसी लग रही है आजकल ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और DIY चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। ओके, और आजकल आपका टाइम कैसा बीत रहा है? आज तो सावन का सोमवार है, तो मेरा ब्लॉग देखा कि नहीं तो ज़रूर देखिए वो ब्लॉग भी, और पतंजलि आंवला जूस का सेवन ज़रूर करिए, और अपनी बालों की रक्षा करिए, इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ाइए, और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, और मास्क का भी प्रयोग तो ज़रूर करिए बाहर जाते टाइम। आप लोगों के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में लाऊंगी अच्छा, जो आप बाहर कैसे निकलें, किस तरीके से क्या मेकअप करना चाहिए, तो आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा। सो बाय बाय, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।